डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी आफ्टर फुल मून, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, दोनों सोल्स के बीच अप डाउन्स चल रहे हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इनमेच्योर बिहेव दिखा रहे हैं और बिजी शेड्यूल है या मैं बिजी हूँ ऐसा फेमिनाइन को दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फेमिनाइन उनसे रूड बिहेव करेगी, सो उन्हें ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। यही बोलते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, फैमिली है, सबको देखना है, ऐसा बिहेव करते होंगे और कमिटमेंट से भागते हैं। दो सिचुएशन में यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से यह इस रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसका गिल्ट भी इन्हें है। अपनी फेमिनाइन के बारे में काफ़ी जो सोचते हैं, स्टॉक उन्हें करते रहते हैं और एक सोच विचार उनमें बना रहता है। अपनी फेमिनाइन को कोई प्रपोजल नहीं दे पाने का दुख भी उन्हें होता है, खुद को बहुत मजबूर यह पा रहे हैं और दुखी भी होते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि अपनी फेमिनाइन के पास भाग कर चला जाऊँ, बट करेंटली जिस सिचुएशन में फंसे हैं वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ भी उन्हें कंफर्ट फील नहीं होता, वहाँ भी वो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, किसी को कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। वही हमारी फेमिनाइन डीएम के बिहेवियर के चलते उन्हें खरी खरी सुना रही है और साफ बोलती है, जिस कारण भी बहुत से मैस्कुलाइन उनसे ज़्यादा बात करना अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि फेमिनाइन की बातें उन्हें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। बोल तो कुछ नहीं पा रहे हैं, बट दूरी बना रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर की उन्हें फेमिनाइन लगती थी, बट अब वो चेंज हो गई है, जिस कारण भी वे दुखी हैं और शॉकिंग है, क्योंकि फेमिनाइन उन्हें संभाल नहीं रही, उल्टा बार बार हर्ट कर रही है, ट्रिगर दे रही है। फेमिनाइन जैसा बिहेव उन्हें दिखा रही है उससे वह परेशान हो रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। फेमिनाइन को समझाना चाह रहे हैं कि वह इस नेगेटिविटी से बाहर आए। यह रिलेशनशिप इस टाइम हमारी फेमिनाइन को काफ़ी हर्ट कर रहा है, कमिटमेंट का वेट कर रही हैं बट कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण दोनों के बीच इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। फेमिनाइन को लग रहा है कि यह मुझको चीट कर रहा है। फेमिनाइन यहाँ यही सोच में है कि यह रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो रहा है, आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा यह वह सोच रही हैं। यहाँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन दो चीज़ों से झगड़ कर रहे हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है तो दूसरी ओर फेमिनाइन। नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन भी बहुत सी सोल्स का हो रहा है। अपनी फेमिनाइन को वह कंटिन्यू स्टॉक कर रहे हैं, बट ना तो कोई ऐसा है उनके पास जिनसे वो अपने मन की बात शेयर कर सकें, अपने मन की बात कह सकें, और ना ही फेमिनाइन है उन्हें साथ देने के लिए। सो उन्हें ना साथ दे पा रहे और ना ही कमिटमेंट, उन्हें इस बात का गिल्ट भी है और वह इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग भी करना चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहे। फेमिनाइन जब भी कमिटमेंट की बात करती है तो गोइंग विद द फ्लो में ही चलने की बात करते हैं, स्टेबिलिटी नहीं देते, बात को घुमा देते हैं या फिर टाल देते हैं। थर्ड पार्टी में सोचकर यह चले तो गए थे, बट जैसा उन्होंने सोचा था उन्हें वहाँ भी वैसा नहीं मिला। थर्ड पार्टी की सच्चाई भी उनके सामने आई है, सो वहाँ से यह बाहर आना चाहते हैं और एक क्लैरिटी के साथ अब अप्रैल तक अपनी फेमिनाइन की तरफ यह बढ़ेंगे। अगर वो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं तो वहाँ से इनका रिश्ता ब्रेक हो रहा है और यह एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, अपसेट हैं, वहाँ भी यह बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, जिस कारण फेमिनिन से भी बात नहीं कर रहे हैं। मन करता है तो बात करते हैं, अदरवाइज साइलेंट हो जाते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो जब यह वहाँ से पूरी तरीके से फ्री होंगे तभी यह फेमिनाइन को कनेक्ट करेंगे। कुछ डीएम अगर फैमिली या पेरेंट्स खासकर मदर के कारण भी इस रिश्ते में दूरी बना रहे हैं, यदि यहाँ से यह अपनी इश्यू जो भी हैं क्लियर करेंगे तभी फेमिनाइन की तरफ बढ़ेंगे। जब तक
यह अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या हर्डन या इशू शॉर्ट आउट नहीं कर लेते तब तक यह फेमिनाइन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में बहुत से मैस्कुलाइन फंसे हुए हैं और बहुत सी फेमिनाइन ने मैस्कुलाइन से लड़ाई झगड़ा भी इन चीज़ों को लेकर कर रही हैं, आर्गुमेंट कर रही हैं, कंप्लेंट्स कर रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रो भी रही हैं, फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फैसले पर अड़िग हैं। जब तक यह वहाँ से सब क्लियर नहीं कर लेते फेमिनाइन को साइड ही रखेंगे। फेमिनाइन ने बहुत कोशिश करके देख ली बट कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में बनी हुई है उसमें भी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब वहाँ से निकलेंगे तभी फेमिनाइन की तरफ आएंगे, अदरवाइज फेमिनाइन को इस रिश्ते को एक फ्रेंड की तरह ही गोइंग विद द फ्लो में ही लेकर चलना होगा। जब फेमिनाइन उनकी कंडीशन पर चलती रहेंगी तो यह सब ठीक रहेगा पर जहाँ भी उसने कमिटमेंट की बात की तो इशू क्रिएट होंगे। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं और सोच में और सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें क्योंकि जो भी करना चाहते हैं वह नहीं कर पा रहे हैं। फुल मून का काफ़ी इफेक्ट इन पर पड़ा है। कुछ सोल्स ने रिश्ते को संभाला बट फुल मून पर उनकी फेमिनाइन या मैस्कुलाइन से उन्हें ट्रिगर मिला जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एनर्जी ड्रेन उनकी हुई है जिस कारण एक सैडनेस में बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन गए हैं। अपने किए किसी डिसीजन से यह सब खराब हुआ है जिस कारण भी काफ़ी डिसअपॉइंट वह हो रहे हैं और अपनी की गई गलती के कारण काफ़ी सैड डलनेस में वह आ गए हैं। अपनी फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और अट्रैक्शन को वह फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत अभी इनका साथ नहीं दे रही है बट आगे ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी। दोनों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। वो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाते हैं जिस कारण एक को ठीक करते हैं तो दूसरा डगमगा जाता है, दूसरे को संभालते हैं तो पहला बिखरने लगता है जिस कारण कभी कभी यही सोचते हैं कि शायद फेमिनाइन के रिलेशनशिप के चलते जैसे लाइफ उलझ सी गई है, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, सभी चीज़ें खराब हो रही हैं। हालांकि उन्हें पाकर प्राउड फील भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रू लव है उनसे, एक सच्चा ट्रू लव किस्मत से मिलता है यही सोचते हैं, फिर भी एक सोच उनकी ऐसी बनी हुई है। फुल मून पर हमारे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को स्टॉक कर रही थी, सारा दिन बस उन्हें ही स्टॉक कर रही थी, उनके कॉल मैसेज का वेट कर रही थी कि वो मैसेज करें और जब वो खुद मैसेज करने की कोशिश करती रहे तो फिर वह रुक जाती थी। ऐसी सिचुएशन सारा दिन उनकी चलती रही है तो वही हाल डिवाइन मैस्कुलाइन का भी रहा है। वो बस डिवाइन फेमिनिन के मैसेज कॉल का ही वेट करते रहे और खुद से वह आगे नहीं बढ़े क्योंकि वह डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत डिवाइन फेमिनिन की कुछ हरकतों के चलके बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। उनसे कुछ ऐसी बात हो गई है जिससे वह हर्ट हैं और वह उनसे बात करना अवॉइड ही कर रहे हैं। तो दोनों सोल इस टाइम एक दूसरे को मिरर ही कर रहे हैं। तो कल हमारी डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा अपने डीएम को स्पाई कर रही थी, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रही थी, उनसे बात करना चाहती थी, काफ़ी हैवी एनर्जी में रही, अपने डीएम के कॉल मैसेज का वेट करती रही, मिसिंग एनर्जी में थी क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में भी हैं, फेमिनिन के साथ भी हैं। कभी कभी वो सब भूलकर बात करती है फिर सडन पीछे हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को दो रूप देखकर यही सोचती है कि मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन या तो पूरी तरह से चाहिए या फिर नहीं चाहिए और फिर एक ब्लास्ट की जैसे एनर्जी क्रिएट हो जाती है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है या फिर फेमिनाइन ही उनको लेट गो करने लगती है, उनसे दूरी बनाने लगती है और जैसे ही यह इशू क्रिएट होते हैं दोनों सोल नो कॉन्टैक्ट में चली जाती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का ऑन ऑफ करते रहते हैं एनर्जी ले, जबकि वह जब बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाते हैं तो वह फेमिनाइन की तरफ एनर्जी लेने भी आ रहे हैं और फिर चले जाते हैं। वहीं हमारी फेमिनाइन उन्हें किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में या अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट नहीं
अपनी जो बाउंड्रीज उन्होंने बनाई है उन्हें पार नहीं करने दे रही हैं और एक फ्रेंड जोन में भी उन्हें नहीं चाहती। अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की मैरिज कहीं और हो रही है तो बहुत सी डिवाइन फेमिनिन उन्हें एक्सेप्ट भी कर रही हैं और सडन चेंज हो जाती हैं कि मुझे यह रिश्ता नहीं चाहिए। कभी डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉल मैसेज करने का मन कर उनका करता है और कभी गुस्से में आकर ब्लॉक कर देती हैं, क्योंकि वो यही चाहती हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरीके से उनका होकर ही उनके पास आए, अवेकन होकर ही उनके पास आए। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को डिवाइन फेमिनिन से ट्रिगर कर थर्ड पार्टी की ओर गए हैं, जिस कारण डिवाइन फेमिनिन ने उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया है, बात नहीं कर रही हैं, लेट गो कर रही हैं। तब डिवाइन मैस्कुलाइन परेशान हो रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन उनकी तरफ बढ़े। जो लविंग एनर्जी या केयरिंग एनर्जी या सपोर्ट डीएम को वो दिया करती थी, वही वह फिर से पाना चाहते हैं, उसे ही वह मिस कर रहे हैं। और जब फेमिनिन उन्हें बस सुना रही हैं, उन्हें एनर्जी नहीं दे रही हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को लेट गो कर आगे बढ़ रही हैं, उनसे दूरी बना रही हैं, तो वह घबरा रहे हैं, जिस कारण डिवाइन फेमिनिन की क्रेविंग उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है और चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन उन्हें लव वाइब्रेशन दे। वहीं हमारी डिवाइन फेमिनिन ने मैस्कुलाइन से लेट गो किया है तो वह अंदर ही अंदर हिल गए हैं। फेमिनिन के चेंज बिहेव्स, फेमिनिन की लविंग एनर्जी को वह फिर से पाना चाह रहे हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन यही चाह रहे हैं कि फेमिनिन पॉजिटिविटी में आए और लव एनर्जी में आए, ताकि वो आगे बढ़ें, उनकी ओर आएं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, हालांकि शो नहीं करते हैं और उसी डर के चलते वो चीज़ें हाइड कर जाते हैं, जबकि फेमिनिन सब समझती है, वो कब क्या छिपाते हैं वो सब जानती है, फिर भी वह चुप रहती है और दूर, जिस कारण वो इस दूरी के कारण भी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अपनी फेमिनिन को शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत सी फेमिनिन ने अपने डीएम को साफ साफ बोल दिया है कि मेरी लाइफ से चले जाओ, जिसके चलते भी वह घबरा रहे हैं और फुल मून पर भी वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे हैं, एक स्ट्रेस हैवीनेस को वह फील कर रहे हैं, बट डर के उन्हें अवॉइड ही कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन ने कुछ ऐसा ऐसा कर दिया है जिस कारण से वह बहुत सी फेमिनिन अपने डीएम से रन कर रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन को थर्ड पार्टी को लेकर नेगेटिव हो रही हैं, जिस कारण उनका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है और वो अपने चक्रास पर भी वर्क नहीं कर रही हैं, या तो मन नहीं है और या सोचती रहती हैं करूँगी बट कर नहीं रही हैं, सो वो एक नेगेटिविटी में भी आ रही हैं। जो काफ़ी बैलेंस डिवाइन फेमिनिन थी वो भी लो हो रही हैं, सो उनसे मैं यही कहूँगी कि मेडिटेशन ज़रूर करें और फिर से अनकंडीशनल लव में आएं, क्योंकि यह जर्नी आपको अनकंडीशनल लव के लिए ही दी गई है। चक्रास पर वर्क करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन सब सिचुएशन के चलते दोनों सोल्स काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही हैं, स्ट्रेस उन्हें हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ दोनों सोल्स यही सोच रहे हैं कि क्यों हमें डिवाइन ने इतना अकेला इस जर्नी पर कर दिया है। बहुत ज़्यादा अकेलापन का सामना दोनों सोल्स कर रही हैं, जो हमारे अपने थे वो भी हमें छोड़कर चले गए हैं, रिश्ते नाते सब छूट रहे हैं, सब टूट रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ यही कहूँगी, जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आते हैं तो हमें सबसे पहले डिवाइन धीरे धीरे कट ऑफ कर देते हैं, सबसे हमें अकेला कर दिया जाता है, लोगों से समाज से कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और लोगों के असली चेहरे आपको दिखाए जाते हैं। जो लोग हमारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे थे, उनसे अच्छा बॉन्डिंग आपकी थी, उनको अंदर से उनके ट्रूथ और कड़वाहापन हमें इस जर्नी पर दिखाया जाता है। हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवा कर दिखाया जाता है कि जिसमें हम लोगों की असलियत समझ सकें और उन लोगों को फेस पर जो मास्क लगे हैं उनके अंदर जो कड़वाहट है वो दिखाई जाती है, वो जो दिखावा करते हैं वो हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है और हम खुद को ही उनसे दूर होने और हम खुद ही उनसे दूर होने लगते हैं। यह चेन इतनी लंबी होती है कि जिसे दूर करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हम सबसे दूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी हमारी लाइफ में आता है, इतना प्यार देता है और एक दिन वो भी हमें छोड़कर चला जाता है। बबल फेस से यह रिश्ता
गुजरता है और उसके बाद सब बदलने लगता है। जो बचा होता है वो भी रिश्ते छूटने लगते हैं। कभी कभी फेमिनाइन को यही लगता है कि डिवाइन हमें कोई सजा दे रहे हैं, हमने इतने गंदे कर्म किए हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। बहुत से सोल्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाती हैं, हमें यही बोल कर जाती हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। डिवाइन आपको कोई सजा नहीं दे रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोगों का असली चेहरा आपको दिखाया जाता है ताकि आप उन गलत लोगों से दूर हो जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें और इनर वर्क करें, क्योंकि आपकी जर्नी ही स्पिरिचुअलिटी की पर आगे बढ़ना, अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ना और खुद की सोल ग्रोथ करना है। और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, इनर वर्क करें, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी को स्टक कर शक करे यह डिवाइन नहीं चाहते हैं, इसलिए उस पर नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया जाता है और आप अकेले हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं होंगे तो इनर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी सोल से जुड़ पाते हैं, तभी हम अपने आप को जानते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं। हम एक इल्यूज़न में फंसे होते हैं और उसी को अपनी लाइफ मानते हैं। जैसे ही हम अपनी सोल से जुड़ते हैं हमें दुनिया की सच्चाई पता चलती है, अपने आसपास के लोगों की सच्चाई पता चलती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तब हमें ये लगता है। और अपने हम यह सोचते हैं कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हम किस पर्पस के साथ इस धरती पर आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें ये लोग ऐसे क्यों मिले हैं, तब हम खुद पर वर्क करते हैं और तब डिवाइन अच्छे लोगों से हमें मिलवाते हैं। जब हम बहुत सारा इनर वर्क खुद पर करते हैं तो यह आपकी जर्नी का ही पार्ट है, आप इसे समझें, खुद पर वर्क करें, डिवाइन मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव दें और अपने चक्रास पर वर्क करें और खुद को उस डिवाइन को सरेंडर करें और खुद को इतना मजबूत बना लें कि आपको किसी की नीड ही ना हो, आप खुद में खुश रहना सीख जाएं, आप बार बार मैस्कुलाइन के लिए ना तड़पें, बेचैन ना हो, ना रोएं। आप एक पावरफुल सोल हैं, वो यह भूल जाते हैं, क्योंकि आप बहुत सी फेमिनिन यह भूल जाती हैं कि उनमें बहुत सारी कितनी शक्तियां हैं। सो अकेलेपन में रोए धोए ना, ईश्वर को खुद को समर्पित करें और इनर वर्क करें, खुद पर इतना इनर वर्क करें कि खुद को बैलेंस करें कि जो भी आपको छोड़कर गया है वो बाद में आपको छोड़कर पछताए, खुद को ऐसा बना दें। इतने ट्रू लव और ट्रू सोल को ही छोड़कर वो सिर्फ पछताएंगे। तो इतने ट्रू लव और ट्रू सोल को छोड़कर वो सिर्फ पछताएगा। सो आप खुद में ही प्यार में रहोगे, खुद में ही खुश रहोगे, तो आप एक पावरफुल सोल के रूप में निखर कर आएंगे और इनर वर्क पर आप इनर वर्क पर ध्यान दें। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की रीडिंग, आई होप कि आपको रेजोनेट की होगी। यदि यह रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं। और जो सोल्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जो सोल पहले से ही हमारे चैनल पर बनी हुई हैं उनका दिल से हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।